तो देखो बच्चों, हम कल पढ़ रहे थे स्वर्ण काका है दूसरा पार्ट, जो होता है स्वर्ण यानी सोने का, काका यानी कौवा, सोने का कौवा। सोने का कौवा जिसकी कथा मैंने कल आपको बताई थी, संपूर्ण कथा मैंने पहले आपको समझाई थी, समझ में आ गई होगी। और उसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। अब उसी के आगे से देखिएगा, बुक सभी के पास है ना? यस यस मैम। मैम, मैम हमारे पास नहीं है। ओपन करो और उसमें ध्यान से पढ़ो। देखो कल जहां से छोड़ा मैम हमारे था, पास नहीं है। चीर कालम भवनम, यहीं से देख लो, चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा विस्मय गतः। कि चीर कालम यानी लंबे समय से, भवने यानी भवन में चित्र विचित्र वस्तुतानि यानी रंग बिरंगी वस्तुएं संजितानि यानी सजी हुई, दृष्ट्वा यानी देखकर, सा यानी वह बालिका विस्मयम गतः यानी आश्चर्यचकित हो गई। यानी कव्य का जो महल था उसके अंदर चित्र विचित्र रंग बिरंगी वस्तुएं थी वो लगी हुई थी, जिसे देखकर वह बालिका वो आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताताम विलोक्य काकय एव, श्रांता यानी थकी हुई हो, ठीक है? कव्य ने क्या कहा, श्रांता ताम विलोके काकः है यानी थका हुआ, थकी हुई, ताम यानी उसे बालिका के लिए आया है, विलोके यानी देखकर, विलोके शब्द है। तो देखो इसमें वी उपसर्ग है, लोक मूल शब्द है और लय को पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? लय को पढ़ते हैं। वी प्लस लोके प्लस लय, वी प्लस लो प्लस लय, विलोके। तो चीर काल से भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर वह बालिका है वो आश्चर्यचकित हो गई, थकी हुई ऐसा जानकर काका एवं दत्त कौवे ने कहा, किसको कहा, उस बालिका को कहा। क्या कहा? पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियता, पूर्वम यानी पहले तो लघु प्रातरासम यानी सुबह का नाश्ता, क्रियताम यानी कीजिए, पहले तो तुम सुबह का नाश्ता करो। वद त्वं स्वर स्थालयम् भोजनम् करिष्यसि किम् मा रजत स्थालयम् उत ताम्र स्थालयम्। तो बोला तुम स्वर्ण स्थालयम् यानी सोने की थाली में भोजन करिष्यसि, भोजन करोगी, किम् वा या फिर रजत स्थालयम् यानी चांदी की थाली में, या फिर ताम्र स्थालयम् या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। आप चांदी की थाली में भोजन करोगी, तांबे की थाली में करोगी, या फिर सोने की थाली में भोजन करोगी। यानी उसने क्या कहा कि तांबे की थाली में, सोने की थाली में या फिर चांदी की थाली में भोजन करोगी। कौन पूछता है बात? कौवा पूछता है उस बालिका से। तब वो बालिका है वो क्या जवाब देती है? वो कहती है कि बालिका ने कहा, क्या कहा, ताम्र स्थालयाम एवं अहम निर्जना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही यानी ताम्र स्थालयाम यानी तांबे की थाली में, एव यानी ही, अहम यानी मैं, तांबे की थाली में ही मैं निर्जना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन भोजन करूंगी। देखो यहाँ पर करिष्यामि शब्द आया है, वो क्यों आया है? क्योंकि उसके साथ में अहम शब्द भी आया है, ठीक है, अहम के साथ में, यानी उत्तम पुरुष का एक वचन है तो उत्तम पुरुष के एक वचन का कर्ता है तो उसी के साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की ही होगी। उत्तम पुरुष के एक वचन की का कर्ता है अहम, अहम आया है बालिका के लिए तो उसके साथ क्रिया आएगी परीक्षा। निर्धनम भोजनम करिष्यामि यानी मैं गरीब माता की पुत्री यानी मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा स्त्री चकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थालयाम भोजनम परिवेशितम। तदा यानी तब, सा यानी वो स्त्री
यानी आश्चर्यचकित संजाता यानी होवेई यदा यानी जब स्वर्ण काके यानी सोने के कंपे में स्वर्ण काके यानी सोने के कंपे ने स्वर्ण स्थान यानी सोने की थाली में भोजनम यानी भोजन परिवेशितम परिवेशितम का मतलब होता है परोसा। उसने चांदी की थाली में नहीं और ना ही तांबे की थाली में उसने सोने की थाली में उस बालिका को भोजन परोसा, तो वो बालिका क्या होगी आश्चर्यचकित हो गई। तदा आश्चर्यचकित संजाता यदा स्वर्ण काके स्वर्ण स्थान भोजन परिवेश वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कप्पे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। न एतादृशं सुस्वादु भोजन अद्यावधि बालिका खादित यानी नहीं एतादृशम यानी ऐसा सुस्वादु यानी स्वादिष्ट भोजनम यानी भोजन अद्यावधि यानी अद्य अवधि यानी आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने न खादितवती यानी न खाया, आज तक बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। काको एवद कव्य ने कहा बालिके हे बालिके अहम इच्छा में यदि त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवा क्या कहता है बालिके हे बालिका अहम इच्छा में, अहम यानी मेरी इच्छा में यानी इच्छा है, मेरी तो इच्छा ये है यदि यानी कि त्वम यानी तुम सर्वदा यानी हमेशा ही अत्रैव यानी यहीं पर ही तिष्ठ यानी रुको, तिष्ठ धातु है, तिष्ठ यानी होता है ठहरना, तिष्ठ यानी रुकना या ठहरना, अत्रैव यानी यहीं पर ही, अत्रैव अत्रैव यानी यहाँ, तो इसमें संधि है अत्र प्लस एव, मैंने कल भी आपको बताया था अत्र प्लस एव, यहाँ पर संधि जैसे प्रथम पद के अंत में ए या आ में से कोई सा भी वर्ण हो और दूसरे पद के आरंभ में ए या फिर ऐ हो या फिर ओ या हो, तो इसमें कौन सी संधि होगी, ये ऐ या ओ होने पर ऐ ही होगा, ओ या औ होने पर औ ही होगा, तो वो संधि होगी कौन सी संधि होगी वृद्धि संधि होगी, कौन सी संधि होगी वृद्धि संधि होगी। तो इस प्रकार अत्र प्लस ए अत्र प्रथम पद के अंत में ए या आ में से कोई सा भी वर्ण हो, दूसरे पद के आरंभ में ए ऐ या ओ औ में से कोई सा भी वर्ण हो, अगर ए आएगा तो भी ऐ ही होगा, अगर ऐ आएगा तो ऐ होगा, ओ आएगा तो भी औ ही होगा, ओ आएगा तो औ ही होगा, तो वो संधि कौन सी हो जाएगी प्रतिसंधि हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो अहम इच्छा में मेरी इच्छा है कि यदि यानी कि तुम यानी तुम अत्रैव यानी यहीं पर सर्वदा यानी हमेशा तिष्ठ यानी तुम यहीं पर ही हमेशा रुको, परम यानी परंतु तव यानी तुम्हारी माता तो माता तो तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते अकेली है, क्योंकि तुम्हारी माता तो अकेली है, अतः तुम शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, तुम यानी तुम शीघ्रम यानी शीघ्र ही स्व यानी अपने गृह यानी घर गच्छ जाओ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। अब यहाँ पर देखो गच्छ शब्द आया है, तो गच्छ है ये लोट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन, लोट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है, क्यों है क्योंकि यहाँ पर तुम शब्द आया है, आया ना तो ये कहा है तुम गच्छ, तो ये लोट लकार के मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का एक वचन है और लोट लकार है क्योंकि आज्ञाधन्य अर्थ में लोट लकार धातु का प्रयोग किया जाता है, लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, तो तुम गच्छ तुम जाओ क्योंकि तुम्हारी माता है क्या है अकेली है। आगे देखो इति उक्त्वा कापः कक्षा अभ्यंतर आत स्त्री मंजुषा निस्सारी ताम पते वदत्। इति उक्त्वा ये सब उक्त्वा यानी कहकर, ये बात कहकर काकह यानी कव्य ने कक्षा अंतर कक्षा भी अंतरा कक्षा यानी कमरे के अंतरात यानी अंदर
संदूक प्रगृह यानी निकाल कर लाता है, बालिका कथती और बालिका को कहता है। तो इसी प्रकार बालिका बालिका ने यह कहकर कौवा कमरे के अंदर जाता है और तीन पेटियां लेकर आता है। वो कहता है कि प्रगृह बालिका कथती और बालिका को कहता है कि यह ही मदीय का गुलाम होंगे। वो तीन पेटियां निकाल कर लाता है और देता है और कहता है कि यही तुम्हारे चावलों का मूल्य है। तंडुला नाम यानी चावलों, तंडुला नाम यानी चावलों का। तीन पेटियां निकाल कर लाता है और कहता है कि यही तुम्हारे चावलों का मूल्य, ये दो तुम्हारे चावलों का मूल्य। गृहमागते तया मंजुषा समुद घाटिता तस्याम अहम आरणी हीरकाणी विलोक्य शास्त्र हर्षिता तदन अन्निका च संजाता। गृहम यानी घर, आगते यानी आकर के। अब यहाँ पर देखो आगते सब आया है, अवसर है, आपस गम या कच्छ धातु है, पत्ते कौन सा है, लय पत्ते है। ठीक है, आगते यानी आ करके, गृहम यानी घर, आगते यानी आ करके, तया यानी उसने मंजुषा यानी पेटियों को उद्घाटिता यानी खोला, यानी घर आकर उस बालिका ने पेटियों को उस पेटी को खोला। तस्याम महान हीरकाणी महामणिम हीराणी हीरकाणी विलोक्य शास्त्र हर्षिता। तस्याम यानी उसमें महामणि यानी महान मणिया महान मणि और हीरकाणी हीरे विलोक्य यानी देखकर सा यानी वह बालिका प्रहर्षिता यानी प्रसन्न होती हुई तदित अन्नदा यानी बहुमूल्य हीरे से प्रसन्न हुई वह बालिका उस दिन से क्या हो गई, धनिका च संजाता। उस दिन से वह धनिक हो गई यानी धनवान हो गई, अमीर हो गई। यानी कहने का मतलब यदि कौवा है वो उस बालिका को तीन पेटियां लाकर देता है और उसमें से वह बालिका पेटी उस बालिका को तीन पेटियां लाकर देता है जिसमें से एक पेटी वो बालिका देती है। वो लेती है, लेकर वो घर आ जाता है। जब वो देता तो कौवा क्या कहता है कि यही तुम्हारे चावलों का मूल्य, जो चावल मैंने खाए हैं उन चावलों का मूल्य यही है। अब वो बालिका खुशी खुशी से वह पेटी घर लेकर आ जाती है। घर आकर वह बालिका उस पेटी को खोलती है तो उसके अंदर मणि हीरे ज्वारा आदि सारा इतना सारा धन निकलता है जिससे वह बालिका क्या बन गई, धनवान बन गई, अमीर बन गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अग्रामृता वृद्धा निवसत्। तस्मिन् एव, तस्मिन् यानी उसी, एव यानी ही, उसी ही ग्रामे यानी गांव में एका यानी एक, अपरा यानी दूसरी, लुब्धा यानी लोभी, विधा यानी बुढ़िया, निवसत् यानी रहती थी। उसी गांव में एक लालची बुढ़िया रहती थी। तस्याम अपि एका पुत्री आसीत्। तस्याम यानी उसके भी, एका यानी एक, पुत्री यानी पुत्री, आसीत यानी थी, उसी के भी एक पुत्री थी। ईशया शा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्य ज्ञातवती। ईशया यानी ईशा से सा यानी उसने भी, तस्य यानी उसके, स्वर्णकाकस्य यानी सोने के कव्य के रहस्य यानी रहस्य को ज्ञातवती यानी जान लिया। यानी उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसमें कि उसके भी क्या थी, एक एक बालिका थी और निश्चय से उसने उस सोने के कव्य के रहस्य को जान लिया। सूर्यातापे तंडुला छुपे तया भी स्वस्थता रक्षार्थम नियुक्ता। यानी सूर्य ताप यानी सूर्य के प्रकाश से तंडुला यानी चावलों को निक्षिप्य यानी सुखा कर तया भी उसे भी उसने भी स्वसुता स्व यानी अपने सुता यानी पुत्री को रक्षार्थम यानी रक्षा के लिए नियुक्ता यानी नियुक्त किया। उसने भी अपनी पुत्री को उन चावलों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्षे काकय तंडुलान पक्षे इमाम तब अपि तत्र
बाहें पर स्वर्ण का कह यानी सोने के कौवा तंडुला यानी चावलों को मक्षे यानी खाता हुआ तब अभी कतरे खावे यानी वैसे ही वहां पर चावलों को खाते हुए उसे भी बुलाया यानी वहां पर सोने के पंखों वाले कब्बे ने चावलों को खाते हुए उसे भी किसे उस बालिका को कहाँ बुलाया वहीं पर ही बुलाया प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भय सरयन्ति प्रवात वो नीच का कह अहम आगतः अहम तंडुलम मूलम यानी जैसा उस ईशानु वृद्धा ने किया वैसा ही कव्य ने भी उस बालिका को जैसे उस मनोहर और सुंदर बालिका को बुलाया था वैसे ही उस लालची बुढ़िया की बालिका को भी उसने वहीं पर ही बुलाया और उसने क्या कहा कि सुबह प्रातः प्रातः यानी सुबह तत्र यानी वहां पर गत्वा यानी जाकर सा यानी वह बालिका काकम यानी कव्य को निर्भत्सरयती यानी फटकार लगाती हुई प्रवाच यानी बोली उसने यानी निंदा करती हुई उस कव्य को बोली कौन बोली वह लालची बुढ़िया की पुत्री ने कव्य को बोला क्या बोला वो नीच काक है अरे नीच कव्य अहम आगता मैं आ गई हूँ अहम यानी मैं आगता यानी आ गई हूँ अरे नीच कव्य मैं आ गई हूँ तत्कथे मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच मह्यम यानी मुझे तंडुल मूल्यम यानी चावलों का मूल्य प्रयचत यानी दो मुझे भी चावलों का मूल्य दो काको भूवित कव्य ने कहा भूवित यानी कहा काका यानी कव्य ने भी कहा अहम तुम कृति सोपानम अवतारयामि मैं तुम्हें सीढ़ियों से बुलाऊंगा मैं तुम्हें सीढ़ियों से बुलाऊंगा तत्कथे स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा तो आप बताओ कि आप कौन सी सीढ़ी से आओगी सोने की चांदी की या तांबे की कौन सी सीढ़ी से आओगी गर्विता बालिका प्रवक्त गर्विता यानी घमंडी बालिका यानी बालिका ने प्रोक्तम यानी कहा घमंडी बालिका ने कहा क्या कहा स्वर्णमय सोपाने अहम आगच्छामि स्वर्णमय यानी सोने की सोपाने यानी सीढ़ी से अहम यानी मैं आगच्छामि यानी आऊंगी सोपान यानी होती है सीढ़ी सोपान यानी होती है सीढ़ी कि मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊंगी परम स्वर्ण काक तत्कृति ताम्रमय सोपान एक प्रायश्चित परंतु सोने के कव्य ने उसे तांबे की सीढ़ी से बुलाया कौन सी सीढ़ी से बुलाया तांबे की सीढ़ी से बुलाया स्वर्ण काक तथा भोजन वपि ताम्र भाज ने एक ऐसा सोने के कव्य ने भोजन वपि भोजन के लिए भी ताम्र भाज ने यानी ताम्र यानी तांबे के भाजने यानी होता है बर्तन तांबे के बर्तन में ही उन्हें क्या परोसा भोजन परोसा यानी उसने सोने की थाली में भोजन करने के लिए कहा तब तो उसे चांदी तांबे की थाली में भोजन सॉरी सोने की थाली सोने की सीढ़ी से उतरने के लिए कहा तब तो उसे तांबे की सीढ़ी से उतारा और जब उसने उसे भोजन दिया तो भी वो तांबे की थाली में ही दिया प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण कागे कक्षा अभ्यंतरण तीसरे मंजूषा तत्पुर है समुक्षिप्ता प्रतिनिवृत्ति काल है यानी सुबह प्रतिनिवृत्ति काल है किसी प्रकार उस कव्य ने मतलब खाना भी किसने दिया तांबे की थाली में ही दिया प्रतिनिवृत्ति काले यानी वापस लौटते समय प्रति यानी वापस निवृत्ति काले काले यानी समय यानी वापस लौटते समय स्वर्ण काके यानी सोने के कव्य ने कक्षा अभ्यंतरा यानी सोने के कव्य ने कक्षा के अंदर से कमरे के अंदर से तीसरा यानी तीन मंजूसा यानी पेटियां तत्पुर सम्मुख छिपता यानी तीनों पेटियां उसके सामने रख दी जैसे तीनों पेटियां उस निर्धन बालिका के सामने रखी थी वैसे ही तीनों पेटियां इस बालिका के सामने भी रख दी लोभाविष्टा सा गृहत्वा मंजूषा गृहत्वती
और लोभ में आई हुई व्यापारी का वृहत्तमा मंजुषा, वृहत्तमा यानी बड़ी वाली, मंजुषा यानी पेटी को गृहीतवती यानी ग्रहण किया, यानी बड़ी वाली पेटी को ग्रहण किया। गृहम आगते सा हर्षिता, हर्षिता यावत मंजुषा उद्घाटयति यावत तस्यां भीष्म पुरुषं सर्पो विलोकितः। गृहम आगते, घर आकर सा यानी उस बालिका ने हर्षिता यानी प्रसन्न हुई, यानी वह पेटी लेकर बालिका प्रसन्न होती हुई घर आती है, और तावत यानी तब मंजुषा उद्घाटयति यानी उस मंजुषा को उद्घाटयति यानी खोलती है, तावत यानी तब तस्य यानी उसमें भीषण यानी भयंकर कृष्ण यानी काला सर्प यानी सांप विलोकित है यानी देखती है, और उसमें जब उसने खुशी के मारे पेटी खोली तो उसमें भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम्, लुब्धया यानी लोभी, बालिकया यानी बालिका का लोभस्य फलं यानी लोभ का फल प्राप्तम् यानी प्राप्त हुआ। बालिका को किसका फल प्राप्त हुआ? उसके लोभ का फल प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने क्या किया था? लालच किया था। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजे, तदंतरम यानी उसके बाद सा यानी उस बालिका ने लोभम यानी लालच को प्रत्यजे यानी उसने त्याग कर दिया। कहने का मतलब इस कहानी का सारांश ये है कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा कैसा होता है? बुरा होता है। तो जैसे वो मतलब निर्धन माता की पुत्री थी, वह निर्धन माता की बेटी थी, उसके सामने भी उन्होंने तीन पेटियां रखी थी, लेकिन उन्होंने सबसे छोटी पेटी थी वो लेके गई। उसने क्या कहा कि बस आपने मेरे इतने ही चावल खाए और इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, क्योंकि उसने क्या दिखाया? उसने अपना संतोष दिखाया, उसने ईमानदारी दिखाई, और ईमानदारी का फल हमेशा कैसा होता है? मीठा होता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अपनी ईमानदारी से ही कार्य करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। जिस प्रकार लालची बालिका का फल, लालची बालिका ने बड़ी वाली पेटी लेके आई थी वो, तो उस पेटी को खोलते ही उसमें क्या निकला? काला सर्प निकला। उसने क्या सोचा? इसमें हमें तो खूब सारे गहने जेवरात मणि हीरे मिलेंगे, लेकिन उसके बदले में उसे मिला क्या? काला सर्प मिला। और उस दिन के बाद से उस बालिका ने क्या कर दिया? अपने लालच का त्याग कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, और आपको मैं इसका हिंदी अनुवाद है वो सेंड कर दूंगी। आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है, और नेक्स्ट क्लास जब आएगी तब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ लिखने हैं, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो मैं आपको सेंड करूंगी वो आपको अपने नोटबुक के अंदर करना है। और स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप नोटबुक चेक करवाने के लिए स्कूल मंडे को आप अपनी नोटबुक भेज दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।